नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें एडिशन का 10वां मैच दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया। इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी के दोनों ओपनरों ने एक ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई और पहले विकेट के लिए 81 रन जोड़ डाले। अरुण फिंच के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली से टीम को एक बड़ी पारी की उम्मीद थी। जिस तरीके की शुरुआत अरुण फिंच और देवदत्त पडिक्कल ने दिलाई थी, जरूरी था कि नंबर 3 का बल्लेबाज भी उसी अंदाज में खेले। लेकिन विराट कोहली लगातार तीसरे मैच में फेल रहे हैं। जी हां, विराट कोहली इस मैच में कहीं भी नहीं लगा कि वो फॉर्म में है और 11 गेंदे खेलकर राहुल चहर की गेंद पर एक आसान सा कैच रोहित शर्मा को थमा बैठे। इससे पहले खेले गए 2 मुकाबलों में भी विराट कोहली का बल्ला नहीं चला था और अब मुंबई इंडियंस के खिलाफ भी उनका बल्ला पूरी तरीके से खामोश रहा। आपको बता दें, आरसीबी का पहला विकेट पारी के 9वें ओवर में गिरा अरुण फिंच के रूप में। अरुण फिंच 35 गेंदों पर 52 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद आरसीबी का दूसरा विकेट पारी के 13वें ओवर में गिरा जब टीम का स्कोर केवल 92 रन था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।